नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश से 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधकर्मी के विरुद्ध हत्या का मामला था दर्ज, 2 वर्षों से चल रहा था फरार। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रोहतास एसपी विदित कुमार द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान रोहतास एसपी विनित कुमार ने बताया कि रोहतास जिले के बघेला थाना अंतर्गत सियावक गांव में 11 सितंबर 2021 को कृष्ण बिहारी उपाध्याय नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में मृतक के भाई के फर्जी बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले को रोहतास एसपी विनित कुमार ने गंभीरता से लेते हुए हत्या में फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए बघेला थाना एवं जिला सूचना इकाई एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम गठित किया। इस बीच गुप्त सूचना मिली कि हत्या में संलिप्त अपराधकर्मी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के पास छिपे हुए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रोहतास एसपी की विशेष टीम एवं एसटीएफ ने मुन्ना सिंह वशिष्ठ सिंह पिता हीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधकर्मी बघेला थाना क्षेत्र के सियाओं गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधकर्मी मुन्ना सिंह उर्फ वशिष्ठ सिंह पर हत्या, मद निषेध, आर्म्स एक्ट सहित अन्य कई मामले दर्ज है। इस कांड में संलिप्त गिरफ्तार अपराधकर्मी के 2 भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही थी। रोहतास एसपी विनित कुमार ने बताया कि मुन्ना सिंह पर वशिष्ठ सिंह की गिरफ्तारी रोहतास जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। छापामारी दल में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रेस वार्ता में, जहां रोहतास एसपी विनित कुमार ने क्या कहा इस अपराधी के बारे में, आप खुद सुने। और एक अच्छी सफलता मिली है रोहतास पुलिस को। हत्याकांड के एक फरार अभियुक्त थे, पहले जिले में वो 5,000 के इनामी थे, फिर पुलिस मुख्यालय से अनुरोध करके उनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कराया गया था। तो एसटीएफ और जिला पुलिस के समन्वय में आज उनको गिरफ्तार किया गया है। इसका डिटेल कुछ इस प्रकार है कि बघेला थाना के अंतर्गत एक कांड दर्ज हुआ था 9621। ये घटना हुई थी आपको 11 दिसंबर 2021 को। एक केस मर्डर का दर्ज किया गया था, हत्या का। इसके उपरांत आम सेक्टर में भी केस दर्ज किया गया 9721। इन दोनों ही कांड में फरार चल रहे थे अभियुक्त। मर्डर केस में हम लोग कुर्की किए थे, कुर्की के बाद में फरारी रोल समर्पित करके हम लोग इनाम घोषित किए थे। फिर हम लोग पुलिस मुख्यालय से उनको अनुरोध करके 50,000 के इनामी घोषित किए थे। जिले के सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे भी इनके बारे में हम लोगों ने आम जनता से अपील की थी कि यदि इनके बारे में कोई जानकारी मिलती हो तो हम लोग को उपलब्ध कराएं। और इसी इनपुट के आधार पे जो पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में एसटीएफ और जिला पुलिस को ये सूचना मिली, दोनों के द्वारा टीम का गठित किया गया और वहाँ पे हम लोगों को चंदौली उत्तर प्रदेश से इनको गिरफ्तार किया गया। और इस प्रकार एक मर्डर केस में भी फरार थे, ये आम सेक्टर के केस में भी फरार थे। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है, आप लोग देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति में शेयर किया गया है। पूर्व में भी 2017 में सेम थाना के बघेला थाना कांड संख्या 6117 में ये फरार थे, वहाँ भी अभियुक्त थे ये। इसके उपरांत बघेला थाना में 6217 केस हुआ था मद्य निषेध का, वहाँ भी अभियुक्त थे। इसके उपरांत आपको 6219 से केस हुआ था, ये भी आपको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, आम सेक्ट लगा हुआ था, वहाँ भी अभियुक्त थे। तो इस प्रकार एक अच्छी सफलता हम लोग को मिली है। जो भी टीम का गठन किया गया था उनके द्वारा एक बेहतरीन काम किया गया है, उनको जिला स्तर पर भी पुरस्कृत किया जाएगा और मुख्यालय स्तर पर भी उनको पुरस्कृत करने की हेतु जो अनुशंसा की जाएगी। धन्यवाद। गिरफ्तार अपराधी का क्या नाम है? गिरफ्तार अपराधी का नाम जो है आपको